इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे। झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास, इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। मैं जितने संतों का नाम ले रहा हूं, जितने वीरों का नाम ले रहा हूं, जितनी वीरांगनाओं का नाम ले रहा हूं, बताइए एक का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है क्या? लेकिन हमको गर्व है कि हम जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसीलिए आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, सबसे पहले आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप उस पार्टी का हिस्सा हुए हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। उस पार्टी के आप सदस्य हैं जिसने इस देश में बराबरी के सिद्धांत को लागू किया है। बोलिए, इस देश में महिलाओं ने कोई आंदोलन किया था क्या? समान वोट के अधिकार का कोई आंदोलन नहीं किया था ना? समान वोट का अधिकार मिला कि नहीं मिला? लोग जो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं उनका भी वोट एक, और जो साइकिल पे चलता भी उसका भी वोट एक है कि नहीं है? अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको लगता है कि 5 साल में चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर लेकर के कोल्हापुर सिटी की गलियों में नेताजी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े होते? बिल्कुल नहीं खड़े होते।